इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से मिली शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया एशिया कप में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें आपको कि इंग्लैंड के खिलाफ काफी बुरी हार टीम इंडिया को झेलनी पड़ी है। ऐसे में कप्तान और कोच की आलोचना जमकर हो रही है। ऐसे में एशिया कप के लिए विराट कोहली को आराम दिया गया है और रोहित शर्मा को नियमित कप्तान के तौर पर टीम के साथ भेजा गया है। हाल ही में रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात तो साफ कर दी है कि वो एशिया कप जीतने के लिए जा रहे हैं। रोहित ने अपनी प्रैक्टिस का एक वीडियो साझा किया और उसके बाद साफ तौर पर कहा कि किट बैग उठाओ, जर्सी उठाओ और एशिया कप खेलने चलो और अगला मिशन हमारा एशिया कप है। यानी कि कुल मिलाकर रोहित ने कह दिया कि आप अब इंग्लैंड की हार के गम को भुला दीजिए और अब एशिया कप की तैयारी कीजिए। वैसे दो ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज से निकलकर एशिया कप खेलने जा रहे हैं और वो हैं केएल राहुल और शिखर धवन। अगर ये दो खिलाड़ी थके हुए होते हैं तो इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।